लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातल्या 5 मतदारसंघांसाठी उद्या मतदान होणार आहे. यामध्ये नागपूर, रामटेक, चंद्रपूर, गडचिरोली, चिमूर आणि गोंदिया, भंडारा या मतदारसंघांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यातल्या मतदानासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली असून 10,652 मतदान केंद्र उभारण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगानं दिली आहे. मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावावा असं आवाहन मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केलं आहे. ये लगभग 16.5 करोड़ वोटर्स विभिन्न राज्यों में लगभग 1.86 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे. कृपया वोट करने जरूर आएं, ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है. और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रतापूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे. और वो वोटर्स जो जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है या जो PWD मतदाता हैं वो अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं, वो चाहें तो घर से ही वोट दे सकते हैं. यह सच है कि गर्मी का मौसम है, आपको और हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय मतदाताओं का जज्बा गर्मी को भी मात दे देगा. हमारे महान लोकतंत्र में चुनाव आप सबका है, पसंद आपकी है. आप अपना संसद और 4 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य चुन रहे हैं, आप 18वीं लोकसभा बना रहे हैं, आप सरकार तय करेंगे. आप यह सब अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए, अपने गांव या कस्बे के लिए और निश्चित रूप से देश के लिए कर रहे हैं. मुझे यकीन है कि मतदान केंद्रों पर जाते समय जैसे ही आप वोटिंग मशीन में बटन दबाएंगे आपको इस शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का बराबर का एहसास होगा. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र, VVPAT यासह इतर साहित्य घेऊन मतदान अधिकारी आपापल्या मतदान केंद्रांवर रवाना झाले आहेत. नागपूरमध्ये मतदानासाठी 2,405 मतदान केंद्र सुसज्ज असून नागपूर आणि रामटेकमध्ये संवेदनशील मतदान केंद्रांची संख्या 124 आहे. की आमची ड्युटी लागलेल्या पोलिंग ऑफिसर्स म्हणून आणि मी प्रत्येकाला अपील करेन की प्रत्येकाने मतदान केलंच पाहिजे, कारण सर्वात मोठी लोकशाही आहे, तर हे तुमचं कर्तव्य समजून मतदान करा. या संवेदनशील मतदान केंद्रांवर केंद्रीय सशस्त्र दल आणि अन्य सुरक्षा दलं तैनात करण्यात आली आहेत. विविध संकल्पनांवर आधारित मतदान केंद्र उभारण्यात आली आहेत. तृतीयपंथीयांसाठी विशेष व्यवस्था तसंच दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी नागपूर जिल्हा पोलीस दल सज्ज झालं आहे. नागपूर शहरात तब्बल 6,500 पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून संवेदनशील परिसरात पोलिसांतर्फे विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे. सब लोग जो है फ्री और फेयरली इलेक्शन प्रोसेस में भाग लें, अपना वोट डालें जरूर, और किसी को किसी भी चीज के घबराने की जरूरत नहीं है. पुलिस हमारे पास में सफिशिएंट है, पूरे जो बूथ्स हैं वो सब हमने कवर किए हैं, पूरे जो भी सेंसिटिव एरियाज लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको लगते हैं उन सब में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई हैं और हमारी लोकल पुलिस भी लगाई गई है, जिससे कि सब लोग विश्वास के साथ में अपना वोट डाल सकें और किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. पहिल्या टप्प्यात होत असलेल्या मतदानासाठी चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. नक्षलग्रस्त गडचिरोलीत ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवली जात आहे. तसंच या मतदानासाठी सुरक्षा सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत अशी माहिती गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांनी दिली. फर्स्ट फेज में जो कल हमारी मतदान होने वाली है उसमें कुल 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी. गढ़चिरौली में बाहर से हमें 40 CAPF की कंपनीज मिली हैं मतदान कराने के लिए. हमारी ऑलरेडी 47 कंपनीज इन सीटू डिप्लॉयड हैं, 30 CRPF की कंपनी और 17 SRPF की कंपनी. तो केंद्रीय बलों की कुल 87 टुकड़ियाँ हमारे पास मतदान कराने के लिए मौजूद रहेंगी. उसके अलावा 1,500 सुरक्षा बल हमें बाहर से मिले हैं, 1,500 होमगार्ड्स हमें बाहर से मिले हैं. कुल हमारी इंटरनल डिप्लॉयमेंट 11,000 लोगों की, तो ऑन ग्राउंड उस दिन 15,000 लोगों की डिप्लॉयमेंट रहेगी. कुल 206 बूथ्स हैं जिसकी हम 2 दिन से हेली ड्रॉपिंग कर रहे हैं और
इंडियन एयरफोर्स के 6 MI-17 के हेलीकॉप्टर्स आए हुए हैं इसमें मदद करने के लिए। तो EVM और पोलिंग पार्टीज ऐसे 824 लोगों की हम संवेदनशील और अति संवेदनशील ठिकान हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी धोखा नहीं हो। इसके अलावा हमारी 130 ड्रोन्स की फ्लीट है गढ़चिरौली पुलिस की, जो आकाश से पूरे चप्पे चप्पे पे जहां जहां पे भी चुनाव होंगे वहां पे उनकी उन पे नजर रखे रखेगी। आरमोरी, गडचिरोली, अहेरी आणि आमगाव या विधानसभा मतदारसंघात सकाळी 7 ते 3 वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ राहील, तर ब्रह्मपुरी आणि चिमूरमध्ये ही वेळ संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत राहील। भंडारा गोंदियामध्ये 18,27,187 मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील। 2,133 मतदान केंद्र असून 41 महिला व्यवस्थापित मतदान केंद्र आहेत। मोरगाव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र नक्षल प्रभावित भागात येत असल्यानं इथं सकाळी 7 ते 3 वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे। 10,000 कर्मचारी इथं कार्यरत असून मतदान यंत्रात बिघाड झाला तर तत्काळ दुरुस्ती करण्याच्या दृष्टीनं या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलं आहे। चंद्रपूरमध्ये मतदानासाठी यंत्रणा सज्ज झाली आहे। या लोकसभा क्षेत्रातल्या 2,118 मतदान केंद्रांवर नेमण्यात आलेले 9,322 कर्मचारी निवडणूक साहित्यासह आपापल्या केंद्राकडे रवाना होत आहेत। या मतदारसंघात 196 पडदा मशीन विशेष मतदान केंद्र उभारण्यात आली आहेत। याशिवाय 6 दिव्यांग व्यवस्थापित, 6 महिला व्यवस्थापित, 6 युवा मतदान केंद्र देखील उभारण्यात आले आहेत। मतदारांचं उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी तसंच आरोग्य रक्षणासाठी सर्व मतदान केंद्रांवर आवश्यक उपाययोजना केली आहे। यासोबतच चोख सुरक्षा व्यवस्था देखील तैनात करण्यात आली आहे।